हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाइक टेक चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है, व्हाई यू शुड बाय MT50 वर्जन 2.0 और NS200 का, यानी कि आपको NS200 की जगह पर यामाहा की MT50 को क्यों लेना चाहिए। तो इस वीडियो का दोस्तों मोटिव ये नहीं है कि NS200 अच्छी बाइक नहीं है। NS200 बिल्कुल अच्छी बाइक है, इसमें फ़ीचर भी अच्छी मिलती है, इसकी प्राइस भी अच्छी है, बट इसमें कुछ अच्छे रीजन्स है जिसकी वजह से आप यामाहा MT50 की तरफ जा सकते हो। तो यामाहा के MT50 वर्जन 2.0 का एक शोरूम प्राइस है 1,68,400 रुपीज़ के करीब, और पल्सर NS200 के एक शोरूम प्राइस है 1,47,400 रुपीज़ के करीब। तो इन दोनों बाइक्स में प्राइसिंग का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 21,000 का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों बाइक्स में ज़्यादा प्राइसिंग में डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ये जो बाइक्स है NS200 से बेटर कहाँ स्टैंड करती है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यामाहा की MT50 के इंजन रिलायबिलिटी और इंजन रिफाइनमेंट के बारे में। तो इंजन के जो यामाहा के इंजन्स होते हैं वो आपको सबको पता ही है, काफ़ी रिफाइन इंजन होती है, और बजाज की पल्सर NS200 की इंजन रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी है, बट MT50 कुछ बेटर उससे साबित होती है। और बजाज की बाइक्स 2 साल यूज़ करने के बाद उसके स्पार्ट और उसके जो वाइब्रेशन है वो कुछ ज़्यादा होने लगती है, और यामाहा की जो है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और सेकंड रीज़न है इसका मेंटेनेंस और कॉस्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि MT50 की मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ ज़्यादा होगी, तो यामाहा की जो है MT50 उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको फर्स्ट जो है वो 1500 से 2000 के करीब लगेगी फर्स्ट। तो जब आप बाइक्स को 10,000 किलोमीटर तक चला लोगे तो आपको इसकी सेकंड सर्विस कॉस्ट जो है उसके स्पेयर पार्ट अगर आपको चेंज करने होंगे कुछ और, तो इसमें आपको 3,000 तकरीबन लग सकते हैं। तो NS200 की भी जो फर्स्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको 1500 से 1200 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। तो इस बाइक को भी आप अगर 10 से 12,000 किलोमीटर चलाते हो तो इसमें अगर कोई सर्विस पार्ट चेंज करना होगा तो सेकंड सर्विस कॉस्ट आपको भी 3 से 3,500 के तकरीबन देनी होगी। तो इन दोनों बाइक्स में आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है, और इसमें आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको परफॉर्मेंस और पावर भी एकदम सही मिल जाती है दोनों में। NS200 का जो नया मॉडल मार्केट में आया है उसकी टॉप स्पीड आपको 150 किलोमीटर पर आवर के करीब देखने को मिल जाएगी, और MT50 की जो टॉप स्पीड है आपको 145 से लेकर 146 KMPH की देखने को मिल जाएगी। तो दोनों बाइक्स के जो है मेंटेनेंस कॉस्ट और इसकी टॉप स्पीड में आपको कोई भी अंतर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, दोनों बाइक एकदम बराबर है। और इसका तीसरा रीज़न है इन दोनों बाइक्स की माइलेज। तो MT50 में आपको जो है माइलेज इसकी 45 KMPL तक की देखने को मिल जाएगी पर लीटर, और NS200 की माइलेज आपको जो है 36 या 35 KMPL तक की देखने को मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं MT50 जो है NS200 से अच्छी साबित होती है माइलेज के मामले में। और चौथा रीज़न है आपको MT50 में जो है असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है, इसकी वजह से इसका गियर शिफ्ट पोजिशन है वो काफ़ी स्मूथ मिलता है, और असिस्टेंट स्लीपर क्लच जो है वो काफ़ी अच्छा फीचर है जो आपको NS200 में देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं MT50 जो है NS200 से बेटर साबित होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपको MT50 में जो है ड्यूल चैनल ABS और TCS कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो NS200 में आपको ड्यूल चैनल ABS तो मिलेगा, बट आपको इसमें TCS कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट है जिसकी वजह से MT50 अच्छी साबित होती है। और एक पॉइंट है कि MT50 में आपको जो है 37 mm के जो है अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो गोल्डन कलर में मिलते हैं, और NS200 में आपको जो है 33 mm के जो है अपसाइड डाउन फोर्क सस्पेंशन मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं MT50 जो है इससे बेटर साबित होती है, और जिसका लुक है MT50 में जो सस्पेंशन का लुक है फ्रंट के वो गोल्डन कलर में आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट पॉइंट है MT50 में आपको जो है काफ़ी बड़े टायर देखने को मिल जाते हैं, जो रियर में आपको जो है 140 सेक्शन का टायर मिलता है, वही NS200 में आपको जो है 137 mm का जो है रियर में टायर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट हो सकता है कि आप MT50 की तरफ जा सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है इन दोनों बाइक्स में पावर टू वेट रेशो, जो कि MT50 में जो है आपको 141 kg का वेट रेशो देखने को मिलता है, लेकिन NS200 का वेट रेशो आपको 158 kg का देखने को मिलता है। तो NS200 में जो आपको ज़्यादा वेट देखने को मिल जाने के कारण इसका पावर टू वेट रेशियो में दोनों बाइक्स में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से MT50 कहीं ना कहीं अच्छी साबित होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न होगा उतनी माइलेज आपको कम देखने को मिल जाएगी, जो कि MT50 में जो है वज़न कम है तो आपको माइलेज 50 के करीब देखने को मिलती है, वही है इसका वज़न जो है NS200 का 158 kg का मिलता है, इसीलिए आपको पल्सर NS200 में जो है माइलेज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो और नेक्स्ट पॉइंट है आपको MT50 में जो है ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है।
वही आपको NS200 में जो है हैलोजन की हेडलाइट सेटअप मिलती है और इंडिकेटर्स भी आपको हैलोजन में मिलते हैं, और जो है डिजिटल मीटर आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, वही पुराना आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बजाज जो है इन बातों में कंजूसी ज़्यादा कर दी है, जो कि यामाहा वाले ने काफ़ी अच्छी इसमें फीचर्स ऐड किए हैं, जो कि MT15 में आप देख ही सकते हैं। जो फुल्ली LED डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है, इसमें LED का सेटअप मिलता है, तो कहीं ना कहीं बेटर साबित होती है MT50 बजाज के NS200 के मुकाबले। और लास्ट फैक्टर की इन दोनों बाइक्स में बात करते हैं, तो इसमें आपको MD15 में जो है एल्यूमिनियम के स्विंग आर्म देखने को मिलते हैं, वही NS200 में आपको जो है एल्यूमिनियम के स्विंग आर्म देखने को नहीं मिलते हैं। तो लास्ट में बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइसिंग के बारे में, तो यामाहा की MT15 जो है आपको ऑन रोड 2 लाख के करीब देखने को मिल जाएगी, वही NS200 की बात करें तो 1,75,000 के करीब ऑन रोड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं इन दोनों बाइक्स में आप कौन सी लें, तो इन दोनों बाइक्स में आपको 21,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है, बट यामाहा MT15 जो है कहीं ना कहीं बेटर साबित होती है NS200 के मुकाबले। तो इन दोनों बाइक्स में आपको कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें।